तो कल हम कर रहे थे, हमने बहुत सारे रिजल्ट कर रहे थे कल। शॉर्ट वर्जन ये है ये बहुत ओके बात ठीक रही है। तो नंबर वन जो एफ है कनेक्टेड सेट को, कनेक्टेड पे ले जाती है। नंबर टू एफ है कॉम्पैक्ट सेट को, कॉम्पैक्ट पे ले जाती है। नंबर तीन एफ इनवर्स ओपन को ओपन पे ले जाती है। एफ इनवर्स है क्लोज को क्लोज पे लेके चली जाती है। ठीक है, इनके लिखने के तरीके और भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको कैसे लिखूंगा मैं, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्म में। इसके प्रूफ भी हैं, प्रूफ पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं थ्योरम लिखता हूँ कैसे है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो देखो। जैसे मैं थ्योरम तीन को लिखना चाहता हूँ, थ्योरम तीन को मैं लिख कैसे लिखूंगा, इफ कोई फंक्शन है एफ कहाँ से एक्स से लेकर वाई तक इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। एंड एक वी है, वी किसका सबसेट है, इसका वाई का, इसका सबसेट है वी। ठीक है, और ये कैसा है, ओपन है। ठीक है, देन जो एफ इनवर्स वी होगा वो भी क्या होगा, ऑल्सो ओपन होगा। एक तो इसको लिखने का अंदाज ये है, दूसरा अंदाज क्या है, दूसरा ये है अंडर अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप, अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, मतलब ये लिखने का तरीका है इसका। ये चारों थ्योरम है, चारों के प्रूफ, कोई काउंटर नहीं मिलेगा। तो चारों के प्रूफ मिलेंगे आपको, काउंटर किसी का नहीं मिलेगा। जैसे थ्योरम थर्ड लिखी है मैंने, सेम लाइन पे थ्योरम फोर्थ है। जो थ्योरम फोर्थ है क्या है, वही वर्डिंग, कोई फंक्शन है एफ कहां से एक्स से वाई तक, कैसा फंक्शन है ये, क्या खास बात है इस फंक्शन की, कॉन्टिन्यूअस है, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते आप। और वी वी कोई सबसेट है कोडोमेन का, क्योंकि इनवर्स इमेज उसी की मिलती है ना, प्री इमेज ही बोलते हैं उसको, प्री इमेज बोलो या इनवर्स इमेज बोलो एक ही बात है। ये कैसा दे रखा है, क्लोज दे रखा है। वी की क्या खास बात है, क्लोज सबसेट है। ठीक है, देन जो इनवर्स इमेज मिलेगी वी की वो भी क्या मिलेगी, क्लोज मिलेगी, वो भी ऑल्सो क्लोज मिलेगी। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप, अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप द इनवर्स इमेज
ऑफ द इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज, मतलब हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन की इनवर्स इमेज है, जो किसी भी सेट की इनवर्स इमेज है वो क्या मिलेगी, क्लोज मिलेगी, क्लोज की क्लोज मिलेगी इनवर्स में, ठीक है। और पहली थ्योरम का मतलब क्या है, पहली थ्योरम का मतलब है, हाँ जी यहां तक समझे हो, हाँ जी समझ में आ जी रही यहाँ तक। सर, सर हाँ सर, जो इमेज, पहली थ्योरम का मतलब क्या आएगा बताओ, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। हाँ पहली थ्योरम का मतलब ये आएगा, इफ एफ एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस एंड कोई यू सबसेट है एक्स का, इज कनेक्टेड, देन एफ ऑफ यू क्या मिलेगा, इज ऑल्सो कनेक्टेड। ऑल्सो कनेक्टेड हाँ, कनेक्टेड और जो आपने बोला था अभी, अंडर ए कॉन्टिन्यूस मैप इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज ऑल्सो कनेक्टेड। समझ में आ गया चारों थ्योरम क्या कहती हैं, इन चारों थ्योरम्स के प्रूफ भी हैं, ये चारों थ्योरम्स क्या कहती हैं, तो चारों थ्योरम्स के लॉजिक भी हैं। लेकिन ओपन की गारंटी नहीं है ना सर, टेस्ट को अच्छा ये बताओ, ये तो आप पढ़ चुके हो, अगर मैं पांचवी बात ये लिखूं, एफ ओपन, क्या मैं यहां ओपन लिख सकता हूं, इमेज ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, क्या सही है ये, नहीं सर। नहीं है, तो यहां कट करना पड़ेगा। इसको पढ़ा जा कैसे जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ऐसे जाएगा, इमेज अंडर ए कॉन्टिन्यूस मैप इमेज ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा, अंडर ए कॉन्टिन्यूस मैप इमेज ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, मतलब ये मीनिंग है जो मैं कट कर रहा हूं, अब सबका मतलब यही समझा जाए, नीड नॉट। छठा, क्लोज की क्लोज होगी अंडर, क्या, क्लोज होगी क्लोज सेट की नो इमेज, सर नीड ये नॉट भी। भी हो जाएगी। यस सर, नहीं, ये सातवां, क्यों होगी नीड नॉट टू बी कल काउंटर दिए थे, सर, जब कॉम्पैक्ट हो सकती है तो क्लोजनेस क्यों नहीं। क्योंकि कॉम्पैक्ट में तो क्लोज और बाउंडेड दोनों होता है। तो सर बाउंडेड का भी तो आपने नीड नॉट भी करवाया था। हाँ फिर अलग अलग है दोनों, ये बाउंडेड की भी क्या है, नीड नीड नॉट नॉट बी भी, क्लोज बाउंडेड। भी, नीड नॉट भी, लेकिन अगर दोनों हो जाएंगे तो फिर पक्का होगा सर। हाँ एट्थ, अब बाउंडेड इनवर्स इमेज क्या होगी, इनवर्स को इधर ले आओ, इनवर्स इमेज बाउंडेड सेट की क्या होगी,
बाउंडेड नो नीड नॉट रिबाउंडेड। टू सर एफ इनवर्स देखो बाउंडेड रिजल्ट ये सिर्फ चार है, रिजल्ट सिर्फ ये चार है, इसके बाद नहीं है। ओके नाइन्थ, इनवर्स इमेज है जो ओपन कनेक्टेड सेट की क्या हो गई? क्लोज। ये भी नीड नॉट बी कनेक्टेड। अब ये भी नीड नॉट टू बी होगी। हाँ, जो इनवर्स इमेज है कॉम्पैक्ट की वो भी नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट आएगी। ठीक है, पहले चार रिजल्ट है, अगले छह काउंटर है सबके। ठीक है, चलो अब मैं इसको है ना दिखाता हूं आपको कि कैसे देखते हैं हम इनवर्स इमेज, कैसे देखते हैं हम इमेज, किस तरह से है। तो ये 10 बातें हैं, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है वो। ये तो ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि प्रूफ है, चारों ट्रू है, इनके रिवर्स ट्रू नहीं है। और इसका रिवर्स क्या बनेगा? उधर एफ इनवर्स लग जाएगा। इसका रिवर्स क्या बनेगा? उधर एफ इनवर्स लग जाएगा। इसका रिवर्स क्या बनेगा? उधर एफ लग जाएगा। इसका उधर एफ लग जाएगा। ठीक है ना, अगर उधर ले जाए हम उस चीज को तो वो कट आ जाएगा। तो चार तो यही बन गए, दो मैंने ले लिए बाउंडेड के। बाउंडेड की ना तो इमेज बाउंडेड होती है, ये तो हम काउंटर ले चुके थे, और ना ही इनवर्स इमेज बाउंडेड सेट की बाउंड होती है। ठीक है, ये 10 बातें हैं, 10 की 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं इनको समझाने के लिए। रफ कर दूं ये? जी सर। देखिए, मैंने फंक्शन क्या लिया था? मैंने ये लिया था लेट, ये बात बोली थी, लेट एफ है जो एक्स से लेकर वाई तक बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बोला था। तो आप है ले लीजिए एक्स की जगह है और वाई की जगह है, दोनों की जगह आप आर ले लीजिए। मतलब आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? अब फंक्शन बन जाएगा आपका आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और एक ले लीजिए लेट वी, वी ले लीजिए आप 1 4, जो कि किसका सबसेट है? किसका सबसेट है? ये वाई का। ठीक है, और एनी इंटरवल ले लीजिए, कोई भी इंटरवल ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ वी, मैं क्या लेके चल रहा हूँ? 1 4 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी ब्यूटी देखिए, और वी को आप और क्या ले सकते हो? और एनी इंटरवल कंटेंड इन 0 to infinity, ये बल्कि 0 को शामिल कर सकते हो आप। वजह है क्योंकि इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 to infinity आएगी इस वजह से, क्योंकि इमेज जब भी देखी जाती है रेंज के पॉइंट में से देखी जाती है। अगर रेंज में ही नहीं है तो क्या इमेज इनवर्स इमेज देखोगे? इनवर्स इमेज उन्हीं के देखोगे ना जो रेंज के पॉइंट है। ठीक है, तो हम इनवर्स इमेज हमेशा किसकी देखते हैं? रेंज के पॉइंट की देखते हैं। हेलो, हाँ केसी, हेलो, हाँ केसी, हेलो, हाँ हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो,
अगर कोर डोमेन का पॉइंट ही नहीं है, सॉरी रेंज का पॉइंट ही नहीं है, तो उसकी इमेज तो आप क्या देखोगे, देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, और मुझे क्या दिख रहा है, ये सीधा सेट कनेक्टेड दिख रहा है। ये सेट कैसा है, ये है कनेक्टेड सेट। इस सेट की खास बात है, ये कनेक्टेड सेट है। क्या हो रहा है, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? अपडेट कर लो, अपडेट मांग रहा होगा ना। फिर मीटिंग तो वही है, आईडी वही है, सब कुछ वही है। अच्छा कल भी एरर था, ये एक दो कैंडिडेट का और एरर आया था ना, एक दो का और आया था, ज्वाइन नहीं हो रहा था कल परसों, पता नहीं क्या चक्कर आ रहा है इसमें। अच्छा भाई, ये किसका किसकी प्रॉब्लम आ रही थी क्लास में कल परसों, किसका ज्वाइन नहीं हो रहा था? ये शायद जोगिंदर का ज्वाइन नहीं हो रहा था कल परसों, दो तीन का नहीं हो रहा था। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, मेरा भी नहीं हुआ था सर पूजा। फिर पूजा क्या किया तुमने? सर मेरा तो ना नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा था भाई सर, नेट अपडेट इनका नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा था, कैसी? दो 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 दिन नहीं हुआ सर मेरा दिन नहीं हुआ इनका, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा जरूर। सर। वो यूज कर लो साइप्रो फोन, उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इनवर्स इमेज देखना चाहते हैं कि क्या होगी सेट की। मैप आपकी ये है, कॉन्टिन्यूस मैप है, विच इज ए कॉन्टिन्यूस, विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। तो इस मैप में देखिए आप, इस मैप में क्या है, इस मैप का जो ग्राफ है आपका, ये है, ये ग्राफ आपका, ये है क्या ग्राफ है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, और वी सबसेट है किसका, कोडोमेन का, वाई का सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखना चाहते हैं इसकी इनवर्स इमेज, वी को ड्रॉ कर सकते हो, कहां पर होगा वी, वी कहां पर होगा बताओ, वी कहां पर होगा वी, वाई एक्सिस पे हाँ वाई एक्सिस पे होगा, कहां से कहां तक होगा, 1 to 4। 1 to 4 होगा, यहां तक V होगा, मतलब ये V है। ठीक है, इसकी इनवर्स इमेज ड्रॉ कर सकते हो, कैसे ड्रॉ होगी इसकी इनवर्स इमेज, सोच सकते हो कि इनवर्स इमेज ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है? एक्सिस पे ड्रा होगी सर इसकी, हाँ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगी, सब वन कैसे टू ड्रॉ, एक्स की मिरर इमेज बनाएंगे। कैसे ड्रॉ होगी, सोच सकते हो कैसे ड्रॉ होगी, पहले क्या ड्रॉ सर एफ एक्स करेंगे, को वाई मान के वहां से पहले पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ सर करेंगे, जो एक तो 1 से पास करती होगी, दूसरी को देखो कितने 4 से पास करती होगी, देखो 1 से और 4 से पास करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जहां पर वो ग्राफ को कट कर रही है, वहां से कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे वहां से, वर्टिकली डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जहां जहां वो कट करी थी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो एक्स एक्स पे मैप आएगी वो क्या आएगी, इनवर्स इमेज आएगी,
मतलब इनवर्स इमेज कहाँ से कहाँ तक आएगी, एक तो ये पार्ट आएगी, दूसरा पार्ट कौन सा आएगी, ये पार्ट इसका क्या आएगी, इनवर्स इमेज आएगी। ठीक है, बता सकते हो आप इनवर्स इमेज कौन सी है, उसकी मैपिंग बता सकते हो क्या क्या आएगी? -2 से -1, यूनियन 1 हाँ, से 2। -2 से -1 और फिर 1 से लेके 2 तक। तो मैं अगर ये बोलूं जो एफ इनवर्स है वी की, या एफ इनवर्स है इसकी 1/4 क्लोज इंटरवल की, ये मिलेगी -2 2 -1 यूनियन 1 2 2। क्या ये कनेक्टेड है? हाँ, तो सर आपने जब इनवर्स इमेज बताया था हाँ मतलब किसी फंक्शन का, तो हाँ आपने कहा था कि फंक्शन पहले 1 1 on 2 होना चाहिए, हाँ इसके बाद ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ फंक्शन तो का ये इनवर्स तो थोड़ी निकाल फंक्शन रहे हैं, हम यहाँ फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल रहे, हम फंक्शन के किसी सेट का इनवर्स निकाल रहे हैं। तो सर वो जो सेट, अच्छा हाँ, अब कोई आपसे पूछे यहाँ पर क्या -1 से -3 इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी? कोई होगी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोडोमेन का पॉइंट, अगर -1 की इमेज पूछूं है ही नहीं -1 की इमेज, तो यहाँ पर तो इमेज हमेशा इनवर्स इमेज किसकी निकलती है, जो रेंज के पॉइंट है उनकी निकलती है। तो रेंज यहाँ 0 to ∞ है, तो उसका कोई भी आप सेट ले लो, सब सेट ले लो रेंज का, तो उसकी इनवर्स इमेज पक्का निकल जाएगी। हेलो सर, हाँ जी, हाँ, जो हमें वी लेना है वो कोडोमेन का सबसेट लेना है या रेंज नो का सबसेट नो लेना है? नो, वो लेना हमने रेंज का, रेंज का सबसेट। ओके सर। क्योंकि अगर आप कोडोमेन का लोगे, कोई बहुत सारे पॉइंट है उनकी इनवर्स इमेज है ही नहीं है, जैसे -1 है उसकी इनवर्स इमेज है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, 1 की 2 इमेज है, अगर मैं ये ले लूं V1 ले लूं, कोई 1 ले लिया, इसकी इनवर्स इमेज बताओ क्या कनेक्टेड है? ये V1 है, इसकी इनवर्स इमेज क्या आएगी, 1 और -1 आएगी, जो कि क्या है, नॉट कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात? बताइए सर एक बार ये बता दीजिए, ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी, जैसे 1 और -1 निकाल लिए। क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रख लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी। यहां भी तो यही हुआ था, फंक्शन में पुट करके हाँ, क्योंकि वाई की वैल्यू पहले क्या है, 1 है, तो यहां रखो एफ एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू +-1 आएगी। फिर क्या रखोगे, 4 प्लस प्लस वन माइनस माइनस टू टू आएगी, बीच के सारे पॉइंट आएंगे लगातार है। समझ गए ना? सर क्वेश्चन है, इनवर्स फंक्शन तो तभी एग्जिस्ट करता है ना जब फंक्शन 1 1 देखो, हो कि इनवर्स नहीं ऐसा। फंक्शन में और इनवर्स इमेज में बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। तो एफ इनवर्स और अभी जो कर रहे वो अलग है। हेलो हेलो सर, हाँ जी, एफ इनवर्स तब आता सर जब एफ इनवर्स का डिफाइनिंग फॉर्मूला देते तब एफ का इनवर्स निकलता। हाँ, तो हम पहले उसको देखेंगे ना, 1 1 on 2 बनाएंगे पहले, इनवर्स जी ऑफ फंक्शन तो देखना होगा, तो वो एक अलग सर कंसेप्ट है, डिफाइन, इमेज का जी अलग कंसेप्ट है। देखो, तीन बातें होती हैं, तीन बातें क्या क्या होती हैं, ये बार्टले की बुक में स्पष्ट लिखी है तीनों बातें। एक तो लिखा है डायरेक्ट इमेज, डायरेक्ट इमेज ऑफ ए फंक्शन, ये लिखा है। ठीक है, दूसरा लिखा है डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सेट कोवलगी, डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सेट। दूसरी होती है अंडर ए फंक्शन, अंडर ए फंक्शन। फिर है इनवर्स
इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए गिवन फंक्शन। क्या मतलब होता है अंडर ए गिवन फंक्शन? ये बार्टले में स्पष्ट यूज किया है और उसने बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल भी लिए हैं। एक होता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एक होता है इमेज ऑफ ए फंक्शन। इसको कई लोग बोलते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो ये चारों टर्म अलग अलग है, चारों टर्म बिल्कुल अलग अलग है। पहली बात का मतलब क्या है? पहली बात में क्या है, एफ है कोई फंक्शन है एक्स से वाई तक, बी ए फंक्शन। और ए कोई सबसेट है डोमेन का, तो डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सेट का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए क्या कहलाती है, डायरेक्ट इमेज कहलाती है सेट की। अब इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट क्या होती है, एफ कोई फंक्शन है एक्स से वाई तक और बी कोई सबसेट है वाई का। जो बी सबसेट है वाई का, जो इनवर्स इमेज क्या कहलाती है इसकी, एफ इनवर्स बी। अब क्या पता ये एग्जिस्ट करे क्या पता ना करे, डिपेंड करेगा। अगर आपने रेंज में से उठाया है पक्का एग्जिस्ट करेगी इनवर्स इमेज, अगर आपने रेंज में से नहीं उठाया फिर नहीं एग्जिस्ट करेगी। अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता है एफ इनवर्स ये वाई टू एक्स होता है, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, इमेज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन ये अलग चीज होती है। इमेज का मतलब क्या होता है, पूरे फंक्शन की डोमेन की पूरी इमेज। रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होगी, लेट एफ है जो एक्स टू वाई बी ए फंक्शन। तो जो एफ ऑफ एक्स आएगी ये कहलाएगी इमेज ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ। ठीक है, अगर ये बी है सबसेट हो जाता किसका, इमेज ऑफ एफ का या रेंज ऑफ एफ का, अगर ये इसका सबसेट हो जाए अब ये एग्जिस्ट करेगी गारंटीली, गारंटी। तो समझ में आई बात है ये? यस सर। जी सर। ठीक है, तो वो टर्मोलॉजी में फर्क है। जब भी डायरेक्ट इमेज का वर्ड का यूज होता है वो सेट की निकलती है किसी, जो डोमेन का सबसेट होता है। इनवर्स इमेज जब भी निकलती है वो किसका सबसेट होगा, इमेज का सबसेट होगा। ठीक है, रेंज का सबसेट होगा, कोडोमेन का होगा। अब कोडोमेन के हर पॉइंट की जरूरत नहीं निकले इनवर्स इमेज। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन अलग कंसेप्ट है, इमेज ऑफ ए रेंज ऑफ ए फंक्शन अलग है, चारों चीजें अलग अलग है। तो इसमें जो यूज हो रहा है, हमारे दो दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो डायरेक्ट इमेज कनेक्टेड सेट की क्या आएगी, कनेक्टेड आएगी। डायरेक्ट इमेज कॉम्पैक्ट सेट की क्या आएगी, कनेक्ट आएगी। इनवर्स इमेज है कॉम्पैक्ट सेट की जरूरत नहीं है कि कॉम्पैक्ट आए, तो मैंने कट लगाया वहां पर। मैं और एग्जांपल लूंगा, ये बातें और आपको अच्छे से क्लियर होंगी जैसे मैं और लेता हूं। एक लीजिए आप, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। रियल को पढ़ते वक्त जब आप ये चीजें पढ़ रहे हैं आपके पास सारे ग्राफ मैक्सिमम आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। अगर आपकी आंखों के सामने ग्राफ है तो रियल आपके लिए एक फन है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी हम एकदम ग्राफ बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, वो चीजें लेंगे। अगर हमें ग्राफिकल नॉलेज नहीं है तो रियल हमें एकदम से दिक्कत देना स्टार्ट कर देगा वहीं पर।
देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या है, दूसरे एग्जांपल में है एक्स और वाई को आर ले लो आप, आर लो मतलब फंक्शन रियल टू रियल है एंड डिफाइंड बाय यू डिफाइंड कर लो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, एंड एक यू ले लो, यू किसका सबसेट लेते हैं एक्स का डोमेन का, मतलब यू ले लो आप पूरा आर, बल्कि इसको यू बनाओ, मैं इसके चार पांच क्वेश्चन बना देता हूँ, पहले पहले पार्ट में मैं पहला पार्ट बनाता हूँ इसका, पहला पार्ट है लेट u इक्वल टू r, देन f ऑफ u क्या आएगा, मतलब डायरेक्ट इमेज ऑफ u क्या आएगी, व्हाट इज डायरेक्ट इमेज ऑफ u, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस सेट के बारे में क्या खास बात है, इस सेट के बारे में ये ओपन भी है, ये क्लोज भी है, कनेक्टेड भी है, कंप्लीट भी है, कंप्लीट सेट भी है, ये कंप्लीट सेट किसे कहते हैं, जो आर का सबसेट है कंप्लीट कब कहलाता है, एक रीजन है बस, सीधा आप क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, रिजल्ट क्या है, ए सबसेट एस ऑफ आर इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड, मतलब कंप्लीट मतलब क्लोज, क्लोज और कंप्लीट एक ही चीज है, अगर क्लोज हो गया कंप्लीट हो गया, अगर क्लोज नहीं हुआ तो कंप्लीट भी नहीं होगा, तो नॉट कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ नॉट क्लोज। मैं यहां पर किस पे बात कर रहा हूं, आर पे, मैं यूजुअल टोपोलॉजी पे बात कर रहा हूं, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस पर, ठीक है, यहां हर मैट्रिक्स स्पेस पे बात नहीं हो रही, यूजुअल पर जो हमारी पूरी स्टडी चल रही है यहां पर यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस पे चल रही है। तो मैं इसकी डायरेक्ट इमेज देखना चाहता हूं कि डायरेक्ट इमेज है इसकी क्या होगी, ठीक है, क्या बता सकते हो भी डायरेक्ट इमेज क्या होगी सर, क्लोज वन टू इनफिनिटी। अच्छा सर, कनेक्टेड सेटिंग हो जाएगी ना, क्या आप है? नहीं, टू वैल्यू ला सकते हो इसकी, क्या आप इसकी टू वैल्यू लेके आ सकते हो सर, पॉसिबल ये टू के बराबर है, इफ पॉसिबल क्या हो जाएगा, नो नो नो, वन इक्वल टू टू प्लस टू एक्स स्क्वायर सर, माइनस वन इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू, इम्पॉसिबल नहीं आएगी, रियल नंबर का स्क्वायर माइनस हाफ आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्या वन लेके आ सकते हो, या यस सर, इस पॉइंट पे आएगी वन, जीरो पे एक्स जीरो के लिए, वैसे भी जीरो पे ओपन और वन पे, हाँ जीरो पे ओपन और वन क्लोज, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू वन होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव होता ही होता है, तो क्या आएगी, ओपन जीरो टू वन, क्लोज वन आएगा, तो ये ओपन जीरो आएगा, वन के ऊपर क्लोज आएगा, ये आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या ये ओपन है, नो सर नॉट ओपन इसका, लेकिन कॉम्प्लीट क्लोज भी नहीं है सर, हाँ सर नॉट ओपन है ये,
देखो ये काउंटर है उस बात का कि इमेज ओपन सेट की है, ओपन नहीं होती। अगर ओपन होती तो ये ओपन नहीं आना चाहिए था। तो विच इज नॉट ओपन, नॉट ओपन और नॉट क्लोज। यस सर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा सर? माइनस इन्फिनिटी टू भी होगा सर, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज जीरो यूनियन ओपन वन टू, ओके ओपन वन टू इन्फिनिटी। हाँ तो ये क्या है, नॉट ओपन है, नॉट क्लोज है और नॉट कंपैक्ट कंप्लीट है। वन टू इन्फिनिटी, ये ओपन नहीं है तो इसको अपन क्लोज भी नहीं बोल पाएंगे सर। जैसे यहाँ जो हमने क्लोज की डेफिनेशन लगाई है कि नॉट क्लोज, वो इसके कॉम्प्लीमेंट को ही देख करके लगाई है ना? हाँ कॉम्प्लीमेंट को देख के लगा लो, या लिमिट पॉइंट सर यहाँ पे फर्स्ट वाली थ्योरम ट्रू हो गई ना हमारी। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर ये कनेक्टेड है। हेलो मैम, तो ये इसकी इमेज कैसे निकल, एक बार ये बता दीजिए। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर? मैम का क्वेश्चन था कि इसकी इमेज कैसे देखी हम लोगों ने, इसको क्या पढ़ेंगे f of u को, f of u का डायरेक्ट इमेज ऑफ इमेज ऑफ कह लो, इमेज ऑफ या डायरेक्ट इमेज ऑफ u कह लो, इमेज ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं सर इसको। हां या रेंज ऑफ u कह लो, रेंज ऑफ u एक ही बात है ना। इसकी रेंज कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, जब लिमिट x टेंड टू इनफिनिटी करोगे 0 आएगा, लिमिट x टेंड टू माइनस इनफिनिटी करोगे तो भी 0 आएगा, है ना? दोनों जगह क्या आएगा, ये जीरो आएगा। अब मैं इसकी रेंज देखना चाहता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो मैं उसका बेनिफिट उठाऊंगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, इन्वर्ट करूंगा तो ये लेस देन इक्वल टू वन आएगा और जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसको मुझे रेंज मिल गई ना, तो एक्स जीरो पे मिलेगी इसकी, कितनी वैल्यू मिलेगी एक्स जीरो पे इसकी, वन मिलेगी। आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हो, डेरिवेटिव करो ना इसका, डेरिवेटिव इसका जीरो, बस डेरिवेटिव कर दो, df / dx कितना आएगा, 2x - 1 1 + x² का स्क्वायर 2x, जीरो से कंपेयर करो x 0 आएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव इसका 0 पर नेगेटिव आ जाएगा जब आप चेक करोगे, तो f क्या है, मैक्सिमा हो जाएगा एट x = 0 पर, वो अप्रोच भी लगा सकते हो। इस तरह के फंक्शन स्पेशल फंक्शन होते हैं, तो इसके वर्कआउट हमें करने आने चाहिए। अब ये हर फंक्शन में थोड़ी हम ये ट्रिक लगाएंगे, रियल में तो यही तो ब्यूटी है ना, रियल में देखो जो हम, हमें हैबिट क्या होती है, हमें हैबिट होती है कि जो मैथ है सिक्स्थ क्लास से एलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है, लगभग सिक्स्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है एलजेब्रा, टेंथ तक चलता है, आगे प्लस वन प्लस टू तक चलता है, ठीक है। हमें जो फॉर्मूले पढ़ने की आदत है, हमें फॉर्मूले पढ़ते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हम आंसर निकालते हैं, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी क्रिएटिविटी में बनाती, वो चीज़ एक टेक्नोलॉजी का काम करती है, उसे कहते हैं हम टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे आप करते हो, आपने मान लो गूगल पर गए, आप गूगल पर गए, आपने कोई सॉन्ग सर्च किया या आपने कोई पोएम सर्च की, कुछ भी सर्च किया, आपके सामने आ गई, ठीक है। आप उसके लिए कोई रीमोडिफाई करते हो उस पोएम को,
या उस फॉर्मूले को रीमोडिफाई करते हो, वो आपकी क्रिएशन नहीं है। मतलब उससे जो हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा बौद्धिक स्तर है, वो नहीं बढ़ेगा। वो बौद्धिक स्तर क्या होएगा? किल होएगा, खत्म होएगा। टेक्नोलॉजी बौद्धिक स्तर को मारती है। यही हम लोगों के साथ है। मतलब मैक्सिमम हमारे लिए फॉर्मूले हैं, अप्लाई है, आंसर है। एक मशीन दे दी हमें, बटन दबा दिया। जैसे आपने पानी निकालना है जमीन से, घरों में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ तो पंप लगे हुए हैं। जैसे आप यहाँ इससे निकालते हो, शहरों में तो किससे जाता है? टंकियों से आता है। अगर आप देखोगे वहाँ पानी आता कैसे है, पंप कैसे वर्क करता है। अब जो बंदा वहाँ पर वाकई देखेगा पंप कैसे काम करता है, कैसे अर्थ से पानी बाहर खींचता है, वो क्रिएशन है। उसमें एक अलग मजा आता है। अब उस स्टूडेंट को थोड़ी पता है, उसको तो उस पानी पानी पी लिया, बात खत्म। वही हम लोगों के साथ होता है कि हमने 6th, 7th, 8th, 9th में फार्मूला पढ़ा, अप्लाई किया, रिजल्ट मिल गया। नो क्रिएशन, कोई क्रिएशन नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट का बार बार उदाहरण देता होता हूँ, बड़े बड़े एग्जांपल है। अब क्रिकेट में बेसिक सिखाए जाते हैं, जब भी कोई सीखता है। युवराज ने सीखे थे बेसिक, जब युवराज ने बेसिक सीखे थे, उसका पापा उसको कहीं पर लेकर गया था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया कोच ने कि ये नहीं क्रिकेटर बन सकता। तो उसने ठान ली मैंने इसको बनाना है। उसने घर पे ही पिच बनाई, उसने टेनिस की बॉल यूज की और अपने घर पे लॉन है उसको खत्म कर दिया, क्योंकि युवराज, उसका पापा योगराज खुद क्रिकेटर था। तो उसने इसको टफ ट्रेनिंग दी तो उसको एक मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब युवराज बल्लेबाजी करने गया, वो ये थोड़ी देखेगा फार्मूला लगाऊंगा मैं, बेसिक सिखाए थे, फिर वो अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा। ठीक है, ऐसे ही मैथ में क्या होता है, मैथ में देखो टेक्निक तो ये कहती है कि इसका डेरिवेटिव करो, वो चीजें करो। तो ये टेक्निक कभी काम नहीं आती आपको वहां पर। जब आप ऐसे ऐसे सवाल करते हो, प्रैक्टिस देखते हो, अनुभव देखते हो, एक आधी बार गिरोगे, हारोगे। युवराज कितनी बार हारा होगा? साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितनी बार हारते हैं? ठीक है, अलग अलग बुक पढ़ोगे, अलग बुक पढ़ी उसमें दूसरी ट्रिक है, कहीं से मिल गया वो चीजें, तो वो चीजें अपने आप आपकी दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसे कहते हैं क्रिएशन। ठीक है, तो जब हम इस लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। जो नेट का पेपर है, गेट का पेपर है, IIT जैम का पेपर है, वो क्रिएशन बेस पे बनता है, क्रिएटिविटी बेस पे। यही वजह है कि जो स्टूडेंट एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनके ये पेपर क्लियर नहीं होते हैं। और जिन लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे नहीं है और उनको क्रिएशन है उनके अंदर, तो उनके जल्दी क्लियर हो जाते हैं ये। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके सामने जैसे है ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि कैसे करते हैं चीजों को, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। पहली बात तो हमें बुक पढ़ने की आदत नहीं है, बुक पढ़ने की आदत डालनी होगी रियल में, कॉम्प्लेक्स में तो खासकर, नोट से काम नहीं चलता होता है। दूसरी बात, आपके सामने गेट का पेपर है, IIT जैम का पेपर है। ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ, जो स्टूडेंट तैयारी पे 1.5 साल से, 1 साल से, 2 साल से लग रहे हैं, under 600 रैंक भी नहीं लेके आ सकते, under 600 भी। कारण अपनी कोचिंग में बता रहा हूं मैं, यहाँ पर कोचिंग में जो आप लोग बैठे हो, मतलब मैं कोई आप लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा, वो चीजें नहीं कह रहा, क्योंकि रियलिटी इज रियलिटी, वो मुझे पता है रियलिटी क्या है। ठीक है, केवल उसी स्टूडेंट के आ सकते हैं जिसके अंदर क्रिएट, क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे मार्क्स? मैं बताता हूँ गेट में तुम क्यों सफल नहीं होगे, IIT जैम में क्यों सफल नहीं होगे, कारण क्या है, क्यों पीछे रह जाओगे? उसके पीछे कारण है, सीधे दिखाई दे रहे हैं मुझे भी, ये कारण है। क्योंकि आप लोगों के लिए अगर 30 का स्कोर है ना जनरल कैटेगरी में, वो भी बड़ा भारी पड़ जाता है लेना। वो भारी क्यों पड़ जाता है? क्योंकि चीजों को आपने उस तरह से लिया ही नहीं, समझा नहीं, कभी सोचा नहीं है। हम हमेशा चिंतित रहे हैं मैथ में, हमेशा चिंतित रहते हैं, हमारा पेपर पास हो जाए भगवान, इस बार पेपर पास करा दे, कोई चीज है हमारी पेपर पास करवा दे,
कोई ज्योतिषी हमें बता दे कि तेरा फ्यूचर इस बार बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उस लेवल पे हम सोचते नहीं है ना। तो सोचोगे, पेपर को अच्छे से क्लियर करोगे, चीजों को पढ़ोगे डेप्थ में, अपने आप पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, शांति रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब जो स्टूडेंट डेढ़ दो साल से लगे हैं मान लो, वो कहते हैं जी हमने तो पेशेंस भी रखा फिर भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा। भाई बहुत कमियां हैं, फिर भी तुमने डेढ़ दो साल तो लगा दिया, बहुत कमियां हैं। अभी तुम्हारे अप्लाइड पोर्शन में बहुत कमियां हैं। गेट के पेपर के लिए भाई अप्लाइड स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपके न्यूमेरिकल में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आपका बहुत कमजोर है। फिर एक आपका जो एलपीपी है उस लेवल का वो कमजोर है। फिर आपका प्रोबेबिलिटी वगैरह ये स्टैट्स का पेपर वो काफी कमजोर है, क्योंकि चीजें आती है गेट में। एप्टीट्यूड बहुत कमजोर है, कॉम्प्लेक्स आपका बहुत कमजोर है, डायरेक्ट आते हैं, वेक्टर्स बहुत कमजोर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कमजोरी है हमारी। कुछ टोपोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इन पे पार पाना होगा, तभी हम सोच सकते हैं कि अंडर 50, क्योंकि गेट में अगर आपका आईआईटी जैम में अंडर 50 रैंक नहीं आया, आपको कोई भी नहीं पूछेगा अंडर 50 या अंडर 100 रैंक नहीं आया। आपका 600 रैंक आना, 600 तो आएगा भी नहीं, 600 तो आएगा भी नहीं। 1000 रैंक आना क्लियर भी हो गया, पहली बात तो क्लियर नहीं होगा। अगर क्लियर हो गया 1200 रैंक आ गया, 1100 रैंक आ गया, कोई मायने नहीं रखता, वो जीरो है आपके लिए, आपने कुछ नहीं किया वहां पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, लंबा विजन लेकर अपना अभी भी जुट जाओ, डिटेल करना। गेट में जो होगा देखी जाएगी, रिजल्ट के बारे में उसके बारे में सोचो ना, लंबा विजन रखो अपने सामने। भाई हमने सब्जेक्ट को सीखना है, एक बार रियल सीखना है, न्यूमेरिकल सीखना है, सारी चीजें सीखनी है, डेप्थ में सीखनी है हमने, फिर आपका पेपर रुकेगा। फिर अगर कमी रहेगी तो प्रैक्टिस ही कमी रहेगी, फिर हमने प्रैक्टिस खूब करनी है, ठीक है। तो अब जैसे यही चीज चल रही है हमारी, कि यू हमने क्या लिया है, आर लिया है। आर के बारे में ओपन भी है, क्लोज भी है, कनेक्टेड भी है, कंप्लीट भी है, चारों बातें हैं इसकी। लेकिन जब इसकी डायरेक्ट इमेज देखी गई, क्या निकली, ये निकली, जो क्या है, ना तो ओपन है, ना क्लोज है, ना कंप्लीट है, बट कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो आएगी क्योंकि फार्मूला रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, डायरेक्ट इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज अगेन कनेक्टेड, ये फार्मूला है। और इंटरवल हमेशा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई, चलो आगे। दूसरे नंबर पर जो सेकंड नंबर पे हमारा आएगा वो क्या आएगा, आप खुद ही सोच के देखो इसके ऊपर। अब मैं इसकी वो बदल देता हूँ, डोमेन बदल देता हूँ, डोमेन का सबसेट बदल देता हूँ, मैं यू को ले लेता हूँ, मैं 0 to infinity। अब सोचो क्या आएगा, एफ ऑफ यू, अभी भी सर वही आएगा। हाँ अभी भी वही आएगा, ठीक है ना, अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा ना। अब जो चेंज आया वो क्या आया है, अब चेंज क्या आया है, क्या ये ओपन है, क्या ये ओपन है, नो सर, क्या है, नॉट ओपन है, क्लोज है, ये कंप्लीट है, ये नॉट ओपन, नॉट क्लोज है, ये यस अनबाउंडेड है, ठीक है, ये खास बात है इस सेट की। लेकिन जो उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको, नॉट ओपन, नॉट क्लोज, नॉट कंप्लीट, क्या मिल रहा है, कनेक्टेड मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है, अनबाउंडेड के बदले बाउंडेड मिल रहा है, ठीक है। अब मैं ये चीजें बता रहा हूँ, आगे जाके यूज होंगी जब मैं इन बस इमेज निकाल लूंगा, इन बातों को ध्यान रखना, इन चीजों का जो लिखवा रहा हूं। चलू आगे सर, एक मिनट बस।
सर ये क्लोज के बाद आपने क्या लिखा है नॉट क्लोज नॉट क्लोज नॉट कंप्लीट नहीं ओके कंप्लीट चलू ना आगे चलू यस सर तीसरा पॉइंट देखो सर ये एक मिनट सर हाँ सर ये कंपैक्ट कैसे हो गया सर जीरो टू नहीं नॉट कंप्लीट कंप्लीट नॉट कंप्लीट नॉट कंप्लीट कंपैक्ट के लिए बॉन्डेड और क्लोज होना जरूरी है नंबर तीन नंबर तीन क्या है देखो लेट यू यू है माइनस वन टू वन ये है यू माइनस वन टू वन है ओपन इंटरवल है तो इसके बदले में क्या मिलेगा भाई क्या मिलेगा इसके बदले में एफ ऑफ यू क्या मिलेगा बता सकते हो सोच सकते हो हाफ से लेकर वन तक हाँ हाफ से लेकर वन तक मिलेगा वन बाय टू पे ओपन रहेगा हाँ वन बाय टू पे ओपन रहेगा ठीक है कैसे पता चला ये जीरो पर दे देगा सर ये हाँ जीरो पर देखो वन देगा समझ पा रहे हो तो ये कैसा सेट था ओपन था नॉट क्लोज था बाउंडेड था कंप्लीट था नॉट कंप्लीट था बाउंडेड कनेक्टेड था कनेक्टेड था Yes, बदले में हमें क्या मिला इमेज कैसे आई सर एक बार बता दीजिए समझ में नहीं आ रहा अब इमेज कैसे निकाली बताओ इनको माइनस वन या वन रखा वन बाय टू पे ओपन आ गया जीरो पे वन हाँ जीरो पे वन दे रहा है भी एक बात तो पता है हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन आएगी एंड पॉइंट पे सर टू आर वन बाय टू आएगा लेकिन क्योंकि एंड पॉइंट्स को 10 नहीं कर रहा है इसलिए 1 बाय 2 जो है ओपन रखा है पहले हम लगा रहे थे लिमिट x टेंड टू इनफिनिटी क्योंकि हमारा जो एंड पॉइंट है इनफिनिटी की तरफ जा रहा था क्योंकि ये देखो ना हमारा फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन है सर 1 तो आ गया समझ में सर 1 बाय 2 नहीं आ रहा कैसे आया 1 बाय 2 1 बाय 2 है ना 1 पे वैल्यू दे रहा ना वो या माइनस 1 पे फंक्शन कैसा आपका ये फंक्शन इवन है कैसा फंक्शन है ये इवन है ना इसका ग्राफ कहां सिमेट्रिकल बनेगा अब आप वाई एक्सिस बता सकते हो क्या ये वन वन है वन वन होगा नो सर नहीं होगा इस ये पूछना चाहती है माइनस वन टू जीरो ये वन बाय टू की तरफ जाएगा और जीरो टू वन भी वन बाय टू की तरफ जाएगा जीरो पे ये वन होगा हाँ क्योंकि जब आप ये लेते हो जीरो टू वन ये इंटरवल लेते हो ये कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बताओ इंक्रीजिंग सर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कैसा फंक्शन है जीरो टू वन में डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है सर माइनस वन टू वन में ग्राफ ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बनेगा इस वजह से ऐसा होगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस सॉरी वो जो हमने अभी इतने चैप्टर पढ़े थे मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे थोड़ी पढ़े थे यूज है उनका अब डी एफ बाई डी एक्स जब देखा कितना आया माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का तो डिक्रीजिंग कब आता है जब ये नेगेटिव हो या इक्वल टू जीरो तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा यानी कि माइनस एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो
ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग कहाँ होगा ये जीरो से लेकर वन तक में, तो जीरो पर तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ये, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस आपका डिक्रीजिंग और कॉन्टिन्यूस है, वन पे मिनिमम देगा, वन बाय टू दे देगा। सर हाँ जी, इसमें जो ओपन और क्लोज इंटरवल लगाया है ये सर कैसे आपने बताया कि वन क्लोज में आएगा? वन ओपन में नहीं, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वन बाय टू क्लोज इंटरवल वन, वन अटेन कर लेगा ना। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वन होगी ना इसकी, जीरो पे होगी। क्रिटिकल पॉइंट निकालो ना, अगर मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, वो तो प्लस टू के तरीके हैं, एक्स आ गया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे पक्का आपको नेगेटिव मिलेगी, तो एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां पुट करो, लेकिन ये नहीं करना, मैं ये नहीं करना, क्योंकि ये तो एक मशीन बनगी ना सारी, ये तो मशीन बनगी जी, क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है वो बहुत ऊपर उठ चुका है, वहां नहीं रहा है जहां मशीन लेवल में थे। अगर मशीन लेवल में पड़े रहेंगे फिर वो बात नहीं बनेगी जी सर। सर ये चलो आगे, सर ये कंप्लीट का तो मतलब यही है ना कि इसका सुप्रीमम इनफिमम जो है सेट में ही हो। हाँ हाँ कंप्लीट का मतलब ये सुप्रीमम इनफिमम सेट में होगा, और कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा इसमें, वो मैट्रिक्स स्पेस वाइज डेफिनेशन में हम करेंगे, क्योंकि फिर सारी चीजें ना ये सीक्वेंस ये सब चीजें एक जगह रुक जाएंगी आकर, हमारी सारी चीजों को एक जगह कनेक्ट कर देंगे हम लास्ट में, ये होता है ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। वैसे वही सुप्रीमम इनफिमम के एग्जिस्टेंस की सर क्लोज सेट वो है कंप्लीट होता है, हां क्योंकि वो कंटेन करता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें अब आपको प्रूफ करने आ गए, ये चीजें फील करने होना स्टार्ट हो गई, याद होना स्टार्ट हो गई है ये भी, हाँ हाँ ये कंप्लीट इसलिए बना ये, ठीक है। अब चैप्टर बहुत लंबा चल गया सर, ये बताया ना फिर वही तो चक्कर है, अगर फिर शॉर्ट करें ना फिर कुछ भी नहीं पता चलता, फिर तो ऐसा लगता है कि तो नहीं, वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी कंप्लीट करो, मतलब कि थोड़ा सा एक में ही है ना, एक ही टेस्ट में बोरिंग सा हो जाता है कभी कभी नहीं बोरिंग तो सारा मैथ ही है, इंटरेस्टिंग भी है। सर कंटिन्यूटी कब तक चलेगा? जब तक सांस रहेगी। जितिन ये हो गया ना, अगर हम इस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, अगर हम अपना लेवल है यहाँ तक नहीं लेके जाते हैं इस रियल को पढ़ते वक्त, और डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, फिर हमारे लिए परेशानियां पूरी जिंदगी भर हैं। ये तो है सर, और पेपर में यूज हर जगह होगा सर, ये तो बात ठीक है, क्योंकि इसका यूज हर जगह, आप कहीं भी नहीं मना कर सकते। बिल्कुल सर। हाँ अच्छा, अगर ऊपर से कराए वो रिजल्ट याद करा दिया, चीजें करा दी फटाफट फटाफट, फिर हर सर फिर तो किया ना किया एक बराबर ही हो जाएगा, बराबर एक आ जाता है, तो इस करके मन नहीं मानता। एक बार ऐसा नहीं है, मैं बहुत लर्न कर रहा हूँ आप लोगों से, बहुत लर्न कर रहा हूँ, बुक से बहुत लर्न कर रहा हूँ, तो हर कोई सीखता है, मुझे मजा आ रहा है। अब ये सोचो, लेट वी वी आप लो जीरो वन, ये मैंने ले लिया वाई का सबसेट है, वाई का सबसेट। अब जो इसका क्वेश्चन है, क्लियरली क्लियरली वी इज बाउंडेड, वी की खास बात क्या है, बाउंडेड है। व्हाट कैन यू से boundedness, boundedness of F inverse V, मतलब यहां पर क्या क्वेश्चन है, इनवर्स इमेज बाउंडेड सेट की क्या होगी,
पहले तो एफ इनवर्स वी क्या आएगा, क्या आएगा भाई एफ इनवर्स वी? आर। गुड, पूरा आर आ जाएगा। एफ इनवर्स 01 पूरा आर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रेंज सेट तो है, ये रेंज सेट है, और रेंज की जो इनवर्स इमेज होती है पूरी डोमेन होती है, जो रेंज सेट की इनवर्स इमेज होती है। हालांकि फंक्शन 1112 नहीं है, मैंने फंक्शन का इनवर्स नहीं पूछा, मैंने एक सेट की इनवर्स इमेज पूछी है कि इनवर्सली वो कहां मैप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 1 -1, 1 -2, इधर है 1 2 3 4 -1 1 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, -2 4 पे जा रहा है। मैंने फंक्शन ले लिया यहां एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इमेज की इनवर्स इमेज पूछूं, मैं पूछूं एफ इनवर्स इस सेट की इनवर्स इमेज क्या आएगी 1 4 की, तो पूरी डोमेन आ जाएगी -1 1 2 -2। 2 की इनवर्स इमेज कोई नहीं आएगी। तो रेंज की जो इनवर्स इमेज आती है पूरी डोमेन आती है, तो पूरा डोमेन आ जाएगी, आर आ जाएगी। क्या ये बाउंडेड है? क्या ये बाउंडेड है? नो सर। हाँ, विच इज नॉट बाउंडेड। तो हम कह सकते हैं जो इनवर्स इमेज है ऑफ बाउंडेड सेट क्या होगी, वो भी नीड नॉट बी बाउंडेड। और इमेज बाउंडेड सेट की वो भी नीड नॉट बी बाउंडेड। कल एग्जांपल किया था हमने एफ एक्स इक्वल टू 1/x वाला बाउंडेड सेट, मैंने 0 1 ओपन इंटरवल लिया था, वो बाउंडेड नहीं आई थी। समझ में आ रही बातें? जी सर। अब देखना, अब खेल आगे, नेक्स्ट चलूं? एक मिनट सर, सर एक मिनट, हो गया सर। Let V 01 clearly V is compact. Find F inverse V. इस सेट की इनवर्स इमेज निकालो। निकालना इस सेट की इनवर्स इमेज। चुप रहोगी जरा, हम खोल भी नहीं सकते। क्या निकाल पाएंगे? जीरो की नहीं होगी, जीरो की नहीं, जीरो इसलिए इस सेट की इनवर्स इमेज नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि जीरो की प्री इमेज नहीं है कोई भी। जब भी सेट की इनवर्स इमेज की बात होती है, हर एलिमेंट की देखते हैं हम, तो यहाँ जीरो की कोई प्री इमेज नहीं है। जीरो उधर किसी पे कनेक्ट नहीं होगा जाकर, इधर बड़ा जीरो कहीं नहीं होगा उधर। हाँ
बाकी सारे हो जाएंगे, तो इनवर्स इमेज ऑफ वी नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कंपैक्ट तो नहीं आई, एग्जिस्ट नहीं करी, कंपैक्ट क्या आई? तो जो फॉरवर्ड इमेज है, डायरेक्ट इमेज है कॉम्पैक्ट सेट की, वो तो कॉम्पैक्ट आती है, लेकिन इनवर्स इमेज नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। खाना पेट नहीं भरना, यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, फायदा नहीं पहुंच रहा, नुकसान पहुंच रहा। और भी बहुत सारे सेट हैं। अब जैसे आपने पढ़ा हुआ है आर टू आर एफ एक्स है, साइन एक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो इमेज ऑफ एफ क्या है, माइनस वन टू वन है। अब आपसे पूछे इनवर्स इमेज ऑफ माइनस वन टू वन कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी, पूरा आर आ जाएगी। जबकि ये कैसा सेट था, कॉम्पैक्ट था, ये क्या है, नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यानी कि पिछले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास है हर एक के लिए एग्जांपल अवेलेबल होगा, जो मैंने 10 बातें लिखी थी। तो नॉट एग्जिस्ट आई यहां पे इनवर्स इमेज बोल देंगे नॉट कॉम्पैक्ट, अगर नॉट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने के बाद चेक करें। कॉम्पैक्ट तो नहीं आई, कॉम्पैक्ट तो नहीं आई ना, अगर कॉम्पैक्ट आती पक्का एग्जिस्ट करती। अब जैसे आप ये कहते हो जो कॉन्टिन्यूस मैप हो आपका, कॉन्टिन्यूस मैप हो, जो इमेज है, जो एफ है, कॉम्पैक्ट को कहां भेजती है, कॉम्पैक्ट में भेजती है, पक्का वहां पक्का एग्जिस्ट करेगा, ना एग्जिस्ट की तो बात ही नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस मैप दे रखी है कॉम्पैक्ट सेट को, कॉम्पैक्ट सेट पे भेजेगी पक्का, एग्जिस्टेंस की गारंटी है। अगर थ्योरम होती इनवर्स इमेज कॉम्पैक्ट सेट की, कॉम्पैक्ट पक्का आती। ना आने का मतलब क्या है, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी या नहीं, नॉट नॉट कॉम्पैक्ट होगी। सर इस क्वेश्चन में हम एफ को कॉन्टिन्यूस लेके चल रहे हैं ना पूरे में, हाँ, जो फंक्शन लिया हमने, आपको कॉन्टिन्यूस लेके चलना पड़ता है 6 घंटे 8 9 बजे तक पूरे डोमेन में, 9 बजे तक खाते रहना तो पढ़ने, ठीक है। चलो आगे, चक्कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी लास्ट में, कि इंटरवल की इमेज क्या आती है, इंटरवल की इमेज इंटरवल आती है, कल हमने थ्योरम पढ़ी लास्ट में, एफ जब इंटरवल हो क्या आएगा, इंटरवल यहाँ है अंडर कंटिन्यूस मैप है, अंडर कंटिन्यूस मैप। अच्छा सिंगलटन सेट भी आ सकती है, अगर कॉन्स्टेंट ले लें हम, सिंगलटन सेट को भी हम क्या मानते हैं, इंटरवल मानते हैं, जब भी हम अंडर कंटिन्यूस मैप लेते हैं इंटरवल के बदले में इंटरवल मिलता है, तो इंटरवल में सिंगलटन सेट भी शामिल होता है, तो इंटरवल के बदले में इंटरवल है, ओपन के बदले में कुछ नहीं पता, क्लोज के बदले में अब इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अब उसको प्रूफ करना चाहते हैं। अब ये थ्योरम है, अब थ्योरम क्या है, द इमेज ऑफ ए क्लोज इंटरवल अंडर ए कॉन्टिन्यूस मैप इज अगेन ए क्लोज इंटरवल। ये जब भी आप एक क्लोज इंटरवल डालोगे हमेशा उसके बदले में क्लोज इंटरवल मिलेगा, ठीक है, बल्कि क्लोज
एंड बाउंडेड इंटरवल, ये मैं गलत कह गया, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, ठीक कर लो इसको, तो बदलों में क्या मिलता है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल मिलता है। फिर कॉम्पैक्ट ही ना गया था सर इसको। बात क्या दी, इंटरवल में बात हो रही है, कॉम्पैक्ट सेट अलग होता है, कॉम्पैक्ट इंटरवल ठीक है, ठीक है, ठीक है बात, ठीक है। ये चीज वहां लागू नहीं होती कि अगर मैं सिर्फ ये कह दूं क्लोज इंटरवल, अब आर भी तो आपका क्लोज इंटरवल है, वो तो फॉल्स हो जाएगा ना। अभी हमने पढ़ा है आर टू आर, देखो ये किया था हमने, मैंने क्या किया था एफ एक्स, ये किया था, कैसा है ये क्लोज इंटरवल है, इसकी इमेज क्या मिली, ओपन जीरो क्लोज वन, नॉट ए विच इज नॉट ए क्लोज इंटरवल, विच इज नॉट ए क्लोज इंटरवल, है ना। समझ में आ रही हुई बात, तो अगर यहां क्लोज इंटरवल की इमेज है, क्लोज इंटरवल बोले गलत, उसके लिए काउंटर ये रहा, क्योंकि आर आपका क्लोज इंटरवल है। सर यहाँ क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन सेट वाली लगा रहे हैं, क्लोज सेट की बात कर रहे हैं। हाँ क्योंकि आर आर क्लोज क्लोज देखो इंटरवल है क्या, आर है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। हाँ, सर आर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, पाई, फाई बनेगा, फाई क्या है ओपन है, तो आर क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, क्लोज सेट हो गया, और एक तो खुद एक इंटरवल है, खुद ये एक इंटरवल है। वैसे सर इसको इंटर इंटरवल तो ओपन है ना सर, ये आर को क्लोज और ओपन इंटरवल तो ओपन है, इंटरवल तो ओपन है भाई, एक्सटेंडेड प्लेन में इंक्लूड करते ना क्या सर, क्या करिए आर को सर क्लोज और ओपन दोनों सेट तो दोनों है ये, लेकिन इंटरवल ओपन है, सही कह रहे हो, फिर आप इसको ये हटा दो बाउंडेड हटा दो, क्लोज इंटरवल को आउट, सही है सही है सही है। सही है, क्लोज इंटरवल नहीं बोलेंगे हम इसको, क्लोज सेट बोलेंगे, क्लोज सेट है ये, ठीक है, क्लोज सेट को वो क्लोज सेट पे नहीं भेजती है, यहां भी क्लोज सेट ही बोलो, इंटरवल तो ये ओपन है, ठीक है इंटरवल लगाना ठीक है, तो क्लोज इंटरवल को कॉन्टिन्यूस मैप कहां भेजती है, क्लोज इंटरवल भेजती है, तो इसका प्रूफ है, कौन सी मैप भेजती है, कॉन्टिन्यूस मैप, इसका प्रूफ देखो क्या कहां पर है, प्रूफ हमने थ्योरम पढ़ी थी, उन थ्योरमों का यूज है, हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर आपकी मैपिंग कॉन्टिन्यूस हो, हमने दो तीन थ्योरमें पढ़ी थी अगर आपको याद आ रही हो, एक तो पढ़ी थी हमने एवरी फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल, प्रूफ भी किया था, को इसमें थ्योरम्स का किस चीज का यूज हुआ है, पहली थ्योरम यूज हुई है एवरी फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल इज bounded in that interval, ये पढ़ी थी, bounded का है, ठीक है, that is जो
दो रियल नंबर एग्जिस्ट कर देंगे, स्मॉल के और कैपिटल के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन यही होगी, ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल के अलावा बाकी सारे इंटरवल है ओपन होंगे। और मैं क्या कह सकता हूँ, जो एफ एक्स का मोड है वो क्या होगा, के से लेस होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो जब भी क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये इंटरवल है ए टू बी क्लोज, ठीक है, तो ये थ्योरम यूज होगी। दूसरी थ्योरम हमने प्रूफ की थी ये भी, every continuous function on closed interval a to b attains its supremum and infimum, ठीक है, मतलब वो अपने सुप्रीमम और इनफीमम अटेन करेगा, यानी कि क्या 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 कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो किस किस के बीच में आएगी, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में आएगी, अटेन का मतलब ये है। कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ है, कैपिटल एम है सुप्रीमम ऑफ एफ है, स्मॉल एम है इनफीमम ऑफ एफ है, ठीक है, दैट इज जो एफ एक्स है किससे बिलोंग कर गया, एफ एक्स बिलोंग कर गया एम से लेकर कैपिटल एम तक, ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, एफ एक्स बिलोंग कर गया इनफीमम एफ कोमा सुप्रीमम एफ, इससे बिलोंग कर गया, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात ये, हाँ जी क्लियर है यहां तक बात ये, बताओ क्लियर है क्या? जी सर हाँ। और एफ एक्स क्या है, रेंज ऑफ एफ, एफ एक्स क्या है, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ कितनी आ गई, जो रेंज ऑफ एफ आ गई हमारी वो आ गई फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गई। अब रेंज ऑफ एफ लिखने का दूसरा तरीका क्या है, रेंज ऑफ एफ लिखने का दूसरा तरीका है एफ लगाया क्लोज इंटरवल की इमेज, क्या आ गई, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कॉमा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर फंक्शन का सुप्रीमम और इनफीमम अटेन हो गया वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अटेनमेंट करने का मतलब क्या है, फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, फंक्शन की इनफीमम वैल्यू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है, तो ये इमेज आएगी उस क्लोज इंटरवल की अंडर ए कंटिन्यूस मैप, ठीक है। अगर आपका एफ है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो जनरल, अब स्पेशल केस, ये तो जनरल केस है, स्पेशल केस नंबर वन, इफ एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन जो इंटरवल की इमेज क्या आएगी, इंटरवल की इमेज क्या आएगी, वो आएगी जो मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, ए पे मिलेगी, तो एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी, ये
नंबर टू, इफ एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर एफ क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन उस इंटरवल की इमेज कितनी मिलेगी, उस इंटरवल की इमेज मिलेगी रिवर्स, ए पर तो मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, बी पर मिलेगी मिनिमम वैल्यू, ये मिलेगी। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए कल जो मैंने डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम काम आएंगे। कल जो डायग्राम हो नहीं गया सर, रिजल्ट प्रूफ, क्लोज इंटरवल आ तो गया सर। हाँ रिजल्ट तो प्रूफ हो गया, रिजल्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने कल डायग्राम किए थे, मान लो आपने ए टू बी किया था, अगर आपको ध्यान हो, एक तो मैंने बनाया था ये वाला इंक्रीजिंग है, तो ये एफ ए आई मिनिमम आई और एफ बी मैक्सिमम आई बी पॉइंट पर, तो वो थ्योरम कहती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि ये बीच के हर पॉइंट को कवर करेगी, वहां आएगी तो ये आ जाएगी। तो इसकी इमेज क्या आएगी, ए बी की, एफ ए और एफ बी के बीच में आ जाएगी। अगर ये चीज क्या हो, डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग होती तो क्या आती, क्योंकि ए पर वैल्यू है मैक्सिमम मिलेगी और बी पर वैल्यू मिनिमम मिलेगी, ठीक है। तो अब आएगी ये वाला पार्ट है, अगर फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो, जो मैं कल बना रहा था, जहां कल कंफ्यूजन आ रही थी, क्योंकि ग्राफ है किसी भी तरह का बन सकता है ना, ए बी, मैंने ग्राफ बनाया था ये वाला, इसको स्टॉप कर लो, यहां से स्टार्ट किया मैंने, नीचे ले गया, फिर मैं ऊपर ले गया, फिर यहां पे रोक दिया, ठीक है। अब ए पर वैल्यू ये है, बी पर वैल्यू है, बी पर वैल्यू ये है। अब ये नहीं कह सकते एफ ए और एफ बी के बीच में आएगी फंक्शन की वैल्यू, इमेज इसकी, क्योंकि इमेज का मतलब क्या है, ए बी की इमेज का मतलब है आप पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, फिर हॉरिजॉन्टल जहां जहां कट करेगी वो होगी। देखो मैं एक रेड पॉइंट लेता हूं, यहां यहां फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, यहां मिनिमम है, पीक है यहां पर, और वहां पर मैक्सिमम है। देखो ये सी वन है, सी वन पे मिनिमम है, सी टू पे मैक्सिमम है, यहां एफ मैक्स है। तो फंक्शन की वैल्यू किसी के बीच में आएगी, एफ मिनिमम और मैक्स के बीच में आएगी। ये सारा फंक्शन कहाँ मैप होगा, इन वैल्यू के बीच में मैप होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पर भी। तो ये तीन केस बनेंगे इसके, पहला केस बनेगा इंक्रीजिंग का, दूसरा केस बनेगा डिक्रीजिंग का, तीसरा केस बनेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि कोई भी इंटरवल है उसकी इमेज आप ये नहीं कह सकते एफ ए कॉमा एफ बी आएगी या एफ बी कॉमा एफ ए आएगी, वो डिपेंड करेगी कि आपका जो फंक्शन है कैसा है। समझ में आ गया भाई? हाँ जी सर जी। ओके चलूं आगे, बताओ चला जाए क्या आगे? नहीं नहीं जी सर। ओके
एक और अच्छा रिजल्ट है। अब इंटरवल का तो यूज है ही है, इनवर्स फंक्शन का भी यूज है, इनवर्स फंक्शन का भी यूज है। क्या कह रहा है ये रिजल्ट, काफी इस्तेमाल होता है इसका भी। रिजल्ट ये है, इफ इफ ए वन वन फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी देन एफ इनवर्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन एफ ऑफ ए कोमा एफ ओ बी और एफ ऑफ बी कोमा एफ ऑफ ए अकॉर्डिंग एज एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो थोड़ी सी अलग बात है इसमें। एक तो वही है जो ये बात क्या है, ये है इमेज एफ की, ये इमेज एफ की। फंक्शनों क्या बोला है, वन वन बोला है, कॉन्टिन्यूस बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब क्या है, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इंटरवल आपका क्लोज है। तो फिर जो क्वेश्चन है वो इनवर्स इमेज के ऊपर है, इमेज के ऊपर नहीं है, इनवर्स इमेज के ऊपर है, ठीक है ना, इनवर्स इमेज के ऊपर है। जो आपका एफ है, एफ कहां से कहां तक फंक्शन है, ए बी से लेकर आर तक है, ये ए बी से लेकर आर तक है। और एफ इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक होगा, एफ इनवर्स जो फंक्शन है वो कहां से कहां होगा, वो होगा एफ ए कोमा एफ बी से लेकर और एफ बी कोमा एफ ए से लेकर, कहां तक, ए टू बी तक, ये होगा एफ इनवर्स। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये एफ क्या दे रखा है, वन वन दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक दे रखा है, तीन बातें दे रखी है। क्योंकि जो एफ लगाऊंगा मैं इंटरवल पर, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, ये मिलेगा ना, ये रेंज ऑफ एफ है, ये क्या है, रेंज ऑफ एफ है। जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, जो रेंज होगी वो डोमेन बनेगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। अब बात आई इमेज पे नहीं रही, अब बात चली गई इनवर्स पे, ठीक है। इनवर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कोडोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कोडोमेन यही लेनी पड़ेगी, तब हम इसके इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है।
तो उसका इनवर्स फंक्शन है यहां से यहां तक एग्जिस्ट करेगा, और ये बोल रहा है कि एफ इनवर्स है वो पक्का कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है ना तो एफ इनवर्स भी पक्का कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैंने क्या प्रूव करना है, एफ इनवर्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं कि एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस। एम क्या है, बस एम ये है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस। हमें ग्राफ से तो अंदाजा हो रहा है, ग्राफ से तो अंदाजा हो रहा है हमें कि उसका कॉन्टिन्यूस बनेगा ही बनेगा क्योंकि इसका इनवर्स फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एक y इक्वल टू x लाइन के अबाउट उसका सिमेट्रिकल बन जाएगा ग्राफ, जो भी हमें ग्राफ दिया होगा वो तो हमें पता है पहले से कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो तो हम अप्रोच लगा देंगे। हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना चाहते हैं कि मैथमेटिकल प्रूफ कैसे दोगे इसका। तो मैथमेटिकल प्रूफ कैसे लोगे, एक डोमेन का आर्बिट्री पॉइंट लो, आपको वहां पर कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमेशा कैसे चेक कर होती है, पॉइंट वाइज चेक होती है कॉन्टिन्यूटी, पूरी डोमेन पे एकदम दिखा सकते। कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में ही फर्क है, कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक होती है, पॉइंट वाइज, और यूनिफॉर्म क्या होती है, पॉइंट से इंडिपेंडेंट होती है, वहां पॉइंट वाइज चेक नहीं होती। तो आप क्या लेके चलोगे, एक आर्बिट्री पॉइंट लेके चल पड़ोगे, क्या लेके चलोगे, लेट अस टेक एन आर्बिट्री पॉइंट, किसका, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स का, क्योंकि डोमेन के पॉइंट पे चेक होती है कॉन्टिन्यूटी, उसको क्या कह लो, वाई नॉट। वाई नॉट कहां से बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है एफ ए एफ बी से। मैं पहले किसका केस लेके चल रहा हूं, इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का प्रूफ सेम हो जाएगा, पहले मैं इंक्रीजिंग का केस लेके चल रहा हूं, डोमेन ये दे रखी, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब क्योंकि इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है तो एक पक्का एक्स मिलेगा, कहां मिलेगा एक्स, ए बी में, यहां एक्स मिलेगा ना पक्का, क्योंकि ये फंक्शन है भाई, एफ इनवर्स फंक्शन है, वाई नॉट को कहां मैप करेगा, इसके पॉइंट पे मैप करेगा ना भाई, डोमेन के हर पॉइंट की को डोमेन में यूनिक इमेज होती है, तो हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एक्स नॉट मिलेगा, किस में, एफ इनवर्स की को डोमेन में, और कैसे मिलेगा कि एफ इनवर्स वाई नॉट पे लगाऊंगा, क्या आएगा, एक्स नॉट आएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और एफ को आप वन वन लेके चले ही हो, एफ को वन वन लेके चले ही हो, क्योंकि दे रखा है एफ वन वन है, तो इसके ऊपर अगर एफ अप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा हमारा, एफ अगर अप्लाई किया जाएगा ये बन जाएगा एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट बन जाएगा, ठीक है, तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट मिल जाएगा। और एफ एक्स नॉट प्लस एप्साइलन कितना मिलेगा, मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, मैं मान लेता हूं कि वाई नॉट प्लस, क्योंकि एफ क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो वाई नॉट प्लस डेल्टा एड होकर मिलेगी डेल्टा टू, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स नॉट प्लस एप्साइलन कितना मिल जाएगा, वाई नॉट प्लस डेल्टा मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन बढ़ रहा है आपका, जैसे जैसे डोमेन के आप राइट में जा रहे हो ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी, तो एफ एक्स नॉट माइनस एप्साइलन ये मिलेगा y नॉट माइनस डेल्टा,
डेल्टा वन कह लो, क्योंकि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप डोमेन के राइट में चलते हैं, ग्राफ है, इमारतें बड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप ग्राफ से सपोज करके चल पड़ो इसको, ऐसा है। ठीक है, एफ ऐसा है, समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। हाँ, तो सर इसे एक बार रिपीट कर दीजिए नीचे से। हमने क्या प्रूव करना है? एफ इनवर्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक होती है? पॉइंट वाइज डोमेन के, डोमेन पे चेक होती है। ये नहीं कि पूरी डोमेन में बोल दे, जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को जब चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट है, उसमें क्या करेंगे, आर्बिट्री दिखाएंगे हम, वहाँ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पर क्या करेंगे, कोई आर्बिट्री पॉइंट लेके चले वाई नॉट डोमेन का। अब फंक्शन भी है ये, तो एक पॉइंट मिलेगा को डोमेन में कि जिसकी मैपिंग को डोमेन के पॉइंट पर हो रही है वाई नॉट की, एफ इनवर्स। ठीक है, तो हमने इनवर्स किया, ये एफ का इनवर्स है, तो एफ एक्स नॉट वाई नॉट है, क्योंकि इनवर्स आया तभी तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट है। अब क्योंकि एफ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आपका एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपका ग्राफ ऐसा है ना, अगर वाई नॉट पॉइंट यहाँ पर है तो वाई नॉट माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर होगा और वाई नॉट प्लस डेल्टा वो उधर होगा। ठीक है ना, वो बढ़ती हुई वैल्यू निकाल लेगा, ये घटती हुई निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग है इसलिए। अब क्या है, क्योंकि आपका जो एफ है वो इंक्रीजिंग है, तो एक्स किससे छोटा है? एक्स छोटा है एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन से, और बड़ा किससे है? एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, और एफ एक्स है, एफ एक्स किससे ग्रेटर है? एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन से, और लेस किससे है? एफ एक्स नॉट, सॉरी रिवर्स कह गया, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना भाई। अगर इंक्रीजिंग है, मैं हर जगह एफ एफ लगा सकता हूं ना। यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखो, अगर ए बी से लेस हो, एफ में एक्स से लेस होगा ना सर, वहां एक्स नॉट होगा ना बीच में। हाँ, बीच में एक्स नॉट, हाँ यहाँ भी एक्स नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन से हो जाएगा। समझ मेरी बात? तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूं, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, मैं पर्टिकुलर पॉइंट, देखो एक्स नोट तो होगा ही होगा, अब मैं क्या ले लेता हूं यहां पर, एक्स नोट की बजाय ना एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, एक्स ले सकता हूं ना, जनरल पॉइंट ले सकता हूं ना भाई, कोई पॉइंट है एक्स है, इस नेबरहुड में है, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन के नेबरहुड में है ना, और क्योंकि एफ आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एफ लगाओगे यही रिलेशनशिप रहेगी, रिलेशनशिप आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। बताओ बात समझ में आई है? यस सर, इधर भी एक्स नॉट हटा वो, हाँ यहां से भी मैं एक्स नॉट को हटा सकता हूँ यहां से भी, क्योंकि अगर x आपका पॉइंट इस नेबरहुड में है, x नॉट माइनस एप्सिलॉन x नॉट प्लस एप्सिलॉन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके उसमें रहेगा। समझ मेरी बात? ठीक है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि x है किस में बिलोंग कर रहा है, इस नेबरहुड में, x नॉट माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इंप्लाई एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, एफ एक्स बिलोंग करेगा एफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, इसमें बिलोंग करेगा।
और एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी वाई नॉट माइनस डेल्टा वन वाई नॉट प्लस डेल्टा टू, ये आएगी एफ एक्स की वैल्यू। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, तो वाई वैल्यू इसके बीच में आ गई, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, इस बात का मतलब है एक्स माइनस एक्स नॉट का मोड लेस देन एप्सिलॉन, इस बात का मतलब ये है। और यहां से क्या मतलब है, वाई माइनस वाई नॉट का मोड लेस देन डेल्टा, डेल्टा क्या है, मिनिमम है डेल्टा वन डेल्टा टू का, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और यही तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यही तो होगी, क्योंकि यहां एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, यहां एक्स की जगह एक्स की जगह लिख सकता हूं एफ इनवर्स वाई, एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर एफ इनवर्स वाई, और एक्स नॉट की जगह क्या लिख सकता हूं एफ इनवर्स वाई नॉट लेस देन एप्सिलॉन, और यहां लिख सकता हूं मैं जब वाई माइनस वाई नॉट लेस देन डेल्टा है, व्हेन एवर, यही तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसकी है, विच इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, किस पॉइंट पर, एट वाई इक्वल टू वाई नॉट पर, ठीक है। जो यहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, ये लेके चल पड़ो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, तो डेफिनेशन हो जाएगी। तो एफ इनवर्स कहां पर कॉन्टिन्यूस हो गया, वाई नॉट पॉइंट पर हो गया। अब वाई नॉट क्या है, आर्बिट्री पॉइंट है, तो इसलिए एफ इनवर्स कहां कॉन्टिन्यूस हो गया, एवरीवेयर हो गया, अब क्योंकि जो आपका है वाई नॉट है आर्बिट्री पॉइंट है, देयरफॉर जो एफ इनवर्स हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया एवरीवेयर, जो इसकी डोमेन थी एफ ए एफ बी, इंक्रीजिंग लिया था। सिमिलरली एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस कहाँ हो जाएगा, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं एफ बी एफ ए वहां पर, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। पर इसमें ये पूछना था कि जो तीनों कंडीशंस दी हैं पहले, उसमें से जो वन वन वाली कंडीशन है वो सुपरफिशियल नहीं सर, वो फालतू डाल दी उसने। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है वन वन डालने की जरूरत नहीं है, अगर ये इंक्रीजिंग कह रहा है फिर वन वन डाल देता अच्छा होता, स्ट्रिक्टली हटा दे और वहां वन वन डाल दे फिर ठीक है। इसने वन वन एक्स्ट्रा डाल दी, क्या डाल दे, सिर्फ कॉन्टिन्यूस डाल दे और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डाल दे, सफिशियंट है। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, आपने ये डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखा है, मिनिमम ऑफ डेल्टा वन कोमा डेल्टा टू। ओके सर। सर आपने वन वन की जो कंडीशन है इधर यूज की थी क्या, कि एफ इनवर्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट ना, तो वाई नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसलिए यूज किया ना क्योंकि आपका एफ है इनवर्टिबल फंक्शन है, एफ इनवर्टिबल फंक्शन है ना, वो यूज कर दी क्योंकि एफ एफ इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी है, तो मतलब वन वन की जरूरत पड़ी, वन वन की जरूरत नहीं थी अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहा है। अगर यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना लिखे, सिर्फ क्या लिख दे, ये इंक्रीजिंग लिख दे, फिर हमें वन वन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी। वाई नॉट एफ इनवर्स वाई नॉट इस पर एक्स नॉट दे रहा है, ये तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से भी हो जाता है ना, फंक्शन की डेफिनेशन है ये जी, एग्जिस्ट करेगा डोमेन के हर पॉइंट के लिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, वही तो थी कि डोमेन के हर पॉइंट के लिए, ईच पॉइंट ऑफ डोमेन
एक यूनिक मिलता है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, वही थी ना ये फंक्शन की डेफिनेशन यूज करिए यहाँ पर, क्योंकि एफ इनवर्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है मैंने। अब डोमेन का पॉइंट लेके चला मैं आर्बिट्रेरी, पहले फंक्शन की डेफिनेशन करी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डोमेन का आप कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलो, उसके लिए एक एक्स नॉट पक्का मिलेगा। किसमें? को डोमेन में। मान लो आप ये लेके चलते हो यहाँ पर वाई नॉट, तो उसके लिए वहां एक्स नॉट पक्का मिलेगा जिसकी उस पर मैपिंग हो रही है। यहाँ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यूज की हुई है। अब क्योंकि ये इन्वर्टिबल है तो मैं एफ अप्लाई कर सकता दोनों साइड पे। एफ अप्लाई करूंगा तो एफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा, तो आइडेंटिटी वाई नॉट है वाई नॉट आ जाएगा, तो उधर आ जाएगा एफ एक्स नॉट। हेलो हेलो। हाँ जी सर, मैं ये सोच रहा था, मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि अगर मान लो वन वन ना ले हाँ, और स्ट्रिक्टली वर्ड भी काट दें अगर आप सिर्फ मोनोटोनिक वर्ड यूज करें, फिर नहीं। तो कि ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर जो एक काउंटर कोई बनेगा, इसका कोई ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अगर मोनो अगर ये क्या डालता है, मोनोटोनिक डालता है, फिर तो क्या हो जाएगा, क्या पता हाँ इस तरह का हो जाए फंक्शन आपके लिए। ये मतलब कंटीन्यूअस गिवन हो और मोनोटोनिक हो। हाँ मोनोटोनिक हो, ऐसी सिचुएशन का फंक्शन आ जाएगा भाई, दो पॉइंटों पे सेम वैल्यू दे, उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। अब ये भी क्या है, मोनोटोनिक है तो सर ये कंटीन्यूअस तो रहेगा ना। हाँ कंटीन्यूअस तो रहेगा, तो इनवर्स फिर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं, देखो अगर ये कहता है, ये कहता है, आप सोच सही रहे हो। अब अंतर कहां पे आ रहा है, इनवर्स फंक्शन में और इनवर्स इमेज में क्या आ रहा है। ये बोल दे लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड मोनोटोनिक, सिर्फ ये वर्ड लगा दे ऑन ए बी, फाइंड एफ इनवर्स ए बी। ठीक है, दूसरी बात इज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, बताओ पहले का आंसर क्या आएगा। नो कह नहीं सकते सर। क्यों? इनवर्स इमेज तो पक्का एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स इमेज तो पक्का एग्जिस्ट करेगी। हाँ इनवर्स इमेज तो करेगी, यस इनवर्स इमेज तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फंक्शन इनवर्टिबल हो कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं हो फंक्शन इनवर्टिबल, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाँ जी सर ये थोड़ा डिटेल में बताओ, मेरे को फंक्शन होते हैं। हाँ देखो सर, जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो भी तो मोनोटोनिक होते हैं ना, तो वो, लेकिन हम उनको ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। हाँ तो वहां पे एफ इनवर्स का एक्सटेंस जो है वो फुलफिल नहीं होता, वन वन भी नहीं होता है कांस्टेंट फंक्शन। हाँ नहीं बोल सकते, तो फंक्शन वहां पे इनवर्टिबल भी जरूरी नहीं है। डिटेल बता रहा हूं, वन वन तो है ही नहीं है, वन वन तो है नहीं है। देखो जो एफ ए बी की मैपिंग कहां हो रही है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब जो इनवर्स इमेज है इनवर्स इमेज है वो पक्का एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि रेंज का कोई, क्योंकि मैप हो रहा है ना उधर, तो उसके इनवर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेंगे। अब मेरा इनका क्वेश्चन ये है कि क्या एफ इनवर्टिबल होगा, क्या एफ इनवर्टिबल होगा। देखो इस पॉइंट को आप कुछ मान लो, इस पॉइंट को आप मान लो जो यहां से जा रहा है, ये जा रहा है सी से डी तक जा रहा है, मान लो सी से डी तक जा रहा है, ये है। तो
तो ये आ रही है सी से डी तक वैल्यू आ रही है, तो एफ इनवर्स सी डी कितना आएगा, एफ इनवर्स सी डी पक्का ए बी आएगा, ये इनवर्स इमेज आ गई इस फंक्शन की, आएगी आएगी क्योंकि वो उधर मैप हो जाएगी वो उधर हो जाएगी, बट क्या फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? अब देखो इस पॉइंट को मान लो आप है उसी मान लो एक्स वन, इस पॉइंट को मान लो एक्स टू, ये वैल्यू जो आ रही है ये वैल्यू आ रही है दोनों पे वाई वन, तो एफ एक्स वन कितना आ रहा है वाई वन, एफ एक्स टू कितना आ रहा है वाई टू वाई वन, दोनों सेम आ रहे हैं, देयरफोर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज आ गई, देयरफोर एफ इज नॉट वन वन, तो इसका मतलब क्या है एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं एफ इज नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। अब आप कहोगे कि यहां एफ इनवर्स कैसे लगा दिया फिर, ये एफ इनवर्स लगाया, ये इनवर्स इमेज है सी डी की, इनवर्स इमेज है सी डी की, ऊपर जो लिखा है उसमें फाइंड एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल, तो वो थोड़ा सा सर कंफ्यूज, हाँ हाँ वहां बल्कि ये लिखना चाहिए था इनवर्स इमेज, फाइंड इनवर्स इमेज ऑफ सी डी, ठीक है, वहां आपको इनवर्स इमेज निकालनी है सी डी की। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल ये रहा, तो सर ये कॉन्टिन्यूस तो होगा ना फिर भी, हाँ कॉन्टिन्यूस क्या एफ इनवर्स, हाँ एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस होगा, पर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जो इसकी इनवर्स इमेज है वो तो लगातार आ रही है, लेकिन यहाँ एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर क्या है जो एफ इनवर्स है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, अगर नॉट डिफाइंड है तो आप कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर सकते, जो आप देख रहे हो ना वह ग्राफ से आप उसकी इमेज देख रहे हो, वो कॉन्टिन्यूस जो आपको इमेज नजर आ रही है, तो फिर देख रहे हो आप उसकी इमेज के लिए वो चीज है, ग्राफ उधर दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में क्या है, फंक्शन की इनवर्स एग्जिस्टेंस में, फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस में एक बात है कि वन वन और वन टू होना चाहिए, तो अगर वन वन खत्म कर दी तो एफ इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा, अगर एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो हम उसकी उसकी बात नहीं कर सकते फिर, इमेज ने शो किया है फंक्शन की इनवर्स इमेज ने शो किया है, इमेज ने शो किया है ना ग्राफ, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है, होगा ऑन टू, देखो कोड डोमेन पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा ये मुझे बताएं वन वन होगा, अगर हम जैसे इस वाले में दिया है अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वन वन गारंटी है होगा, ऑन टू लेकिन सर यहां वो कोड डोमेन पे डिपेंड करेगा, अगर ऑन टू कोड डोमेन के बराबर है रेंज तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, लेकिन वन वन पक्का होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, साथ में कंटिन्यूस भी हो सर तब होगा, क्या कंटिन्यूस एंड वन वन हो तो मोनोटोनिक होगा, कंटिन्यूस भी साथ चलेगा, कंटिन्यूस साथ में देना पड़ेगा उसको, हाँ जी हाँ सर, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और बताता हूँ, अलग से बताता हूँ, देखो देखो अलग से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, आप एफ एक्स है एक्स स्क्वायर है, ठीक है आप ले लो एफ, एफ लो आप
ये लो माइनस टू से टू लो, ठीक है, यहां से लो आप, और ये ले लो आप जीरो से फोर ले लो, जीरो टू फोर, ठीक है, ये फंक्शन ले लिया। ग्राफ आपका ये बनेगा, माइनस टू टू फोर, मतलब माइनस टू पे फोर देगा और जीरो पे टू पे फोर देगा, ये बना आपका ग्राफ, ये बना। तो एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्लियरली जो एफ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है ऑन माइनस टू टू टू, क्योंकि ये तो अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है, तो माइनस टू 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 कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप है एफ इनवर्स जीरो फोर, इसका मींस है, मींस इनवर्स इमेज ऑफ जीरो फोर, इसकी इनवर्स इमेज बतानी है, जीरो फोर यहां पर है, ये जीरो फोर है, इसकी इनवर्स इमेज बतानी है। तो आपको क्या करना है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जीरो पे और फोर पे, और इनवर्स इमेज यहाँ आएगी इसकी, ये आएगी, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये माइनस टू 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 आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नो, क्यों, क्योंकि एफ वन वन नहीं है, फिर हमने एफ इनवर्स ये क्यों लिखा, ये लिखने का मतलब है यहां पर ये इनवर्स इमेज है इसकी, ये फंक्शन नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि फंक्शन जो एफ इनवर्स एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसकी नोटेशन है, ये इनवर्स इमेज पढ़ी जाएगी इस सेट की, ठीक है, ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इनवर्स इमेज ऑफ डोमेन, इनवर्स इमेज यहाँ पर किसकी है, एक सेट की है, आपसे पूछ सकता था कि ये बता कितना होगा एफ इनवर्स, ये पूछ लेता वो थ्री टू फोर बता, ये पूछ ले। अब क्या करोगे आप, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन थ्री पे ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ कर दी, एक किस पे ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन फोर पे, फिर इनवर्स इमेज है, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, क्या आएगी, क्या आएगी बता सकते हो, क्या आएगी बताओ, माइनस टू, माइनस टू से रूट थ्री यूनियन माइनस रूट थ्री यूनियन रूट थ्री से इनवर्स इमेज, ठीक है, वो इनवर्स इमेज अलग बात है और ये अलग बात है एफ इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स होना और कोडोमेन के किसी पॉइंट का इनवर्स होना, सॉरी रेंज के किसी पॉइंट का इनवर्स होना अलग हो जाएगा, नहीं सर? सर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, जैसे मान लो आप y is equal to x square ले लेते हैं, तो x equal to under root y आ गया, तो मतलब इसकी अगर इनवर्स इमेज अगर मान लो fx equal to under root y का ग्राफ ड्रा करें, तो ये जो ग्राफ आपने ड्रा किया है उस ग्राफ के साथ वन वन मैपिंग जो है मतलब वो शो नहीं करेगा वहां से, इस तरीके से आप यही कहना चाह रहे हो? हेलो हेलो सर,
वहां वन वन मैपिंग शो नहीं करेगा, प्लेन की जो इमेज है हाँ उस प्लेन के अंदर जो है वन वन मैप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यही कह रहे हो आप? हाँ हाँ हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होने का मतलब ये है कि हम फंक्शन का जो इनवर्स है उसका डिफाइनिंग फॉर्मूला नहीं दे सकते यहाँ? हाँ हाँ एफ इनवर्स का डिफाइनिंग फॉर्मूला नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं बोलते हैं क्या दे हम, क्या दे, रूट एक्स दे नो माइनस रूट एक्स दे नो, नहीं दे सकते तो किसके, देखो ना y इक्वल टू x के अबाउट और y इक्वल टू माइनस x के अबाउट सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश भी करें, ठीक है इसका तो कर देगा एक का तो, राइट वाले का तो, लेफ्ट वाले का कैसे करता, ऐसे करता जी, ये दे या ये दे, क्योंकि फंक्शन की यूनिक वैल्यू होती है ना, क्योंकि जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा x की वैल्यू प्लस माइनस रूट वाई आएगी तो यूनिक नहीं आई ना जी, क्योंकि ये आ गया फंक्शन नहीं डिफाइन, हाँ एफ वाई आ गया, ये आ गया प्लस माइनस रूट वाई आ गया क्योंकि एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, तो यूनिक नहीं आया ना वो दो आगे, तो इसलिए पहले इसको वन वन बनाएंगे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट। सर एक बात पूछना है, यहाँ पे अब तो हम क्वेश्चन प्रॉपरली लिख रहे हैं कि इमेज ऑफ ऐसा करके लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन जैसे एक आ गया कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ वाई, देन एफ इनवर्स ऑफ ए, now first option is exist always, exist if is f is 1 1, may not exist and exist if f is 1 1 and on 2, तो अब क्या होगा फिर सर, क्योंकि अभी जो हमने किया है तो f inverse of a, first condition क्या है, map आपका continuous होना चाहिए, तो map continuous है सर, हाँ तो f inverse of a exist करेगी, a subset है codomain का, हाँ exist करेगी, किसी भी पॉइंट की इनवर्स इमेज मिल जाएगी तब इस तरीके से अपने पास, जैसे मैम ने ए सबसेट ऑफ वाई लिया है, रेंज का सेट मिल जाएगी, एम्प्टी सेट भी तो ओपन होता है, एम्प्टी सेट मिलेगी, कईयों की तो एम्प्टी मिलेगी, ओके तो तभी तो वो थ्योरम उस पे है ना, वो हर जगह लागू होती है। अब मान लो किसी की नहीं मिल रही कोडोमेन की, ये मिल रही है, नहीं मिल रही तो फाई बोलेंगे हम उसको, फाई क्या है, ओपन भी है क्लोज भी है, इसलिए वो थ्योरम कभी फेल नहीं होती, तो 1 1 1 2 होना जरूरी नहीं है एफ इनवर्स ऑफ ए के लिए, हाँ उसके लिए 1 1 1 2 होना जरूरी नहीं है, ये कंडीशन किस में है, ये इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में भी क्या है, क्लोज इंटरवल में भी क्या है, एक्स्ट्रा कंडीशन पर है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, वो कंटिन्यूटी के ऊपर, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी, एफ इनवर्स कंटिन्यूअस कब होगा, ये तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हो वो, और एफ कंटिन्यूअस हो तो एफ इनवर्स कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हो हाँ और कंटिन्यूअस, strictly monotonic हो f और continuous हो, तो उसका जो f inverse है वो क्या होगा, तब जाके हम उसके inverse की, हाँ तो continuous, सर सर जो जो आपने ये theorem लिखवाया है result जो है, हाँ ये जो f inverse also continuous f of a f of b, तो ये image का inverse लिया गया है ना इसमें, हाँ image का inverse होगा ना सर, हाँ image का inverse लिया गया है ये, जी सर, सर आखिरी केस में आपने स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक तो नहीं लिया, केवल मोनोटोनिक, एक मिनट कॉल आया, एक हेलो सर, हेलो मैम, हेलो मैम, क्या कोई इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकता है प्लीज, मैम वर्बली बता दीजिए, मैम सर ने
नहीं मैम, सर ने ना ये ग्राफ जो है जो जतिन सर का एक क्वेश्चन था कि अगर हम मोनोटोनिक वन वन की सिचुएशन नहीं ले रहे हैं तो समझाने के लिए सर ने लिया। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे मुझे जितना समझ में आया, अगर मैं गलत होंगी तो कोई मुझे कंट्राडिक्ट कर देगा ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं। तो सर ने यहाँ पे ये दिखाया, जैसे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो वन वन नहीं होता है, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि अगर डोमेन को डोमेन का रेंज हमें मिली, जैसे यहाँ 0-4 रेंज मिल रही है, रेंज के किसी भी सबसेट का हम जो है एफ इनवर्स ले सकते हैं। उसके लिए फंक्शन का इन्वर्टिबल होना जरूरी नहीं है। इस ग्राफ के थ्रू सर ने ये बताया कि फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए हमारे को जो कंडीशन ने दिखाया। मैम आपकी आवाज शायद कट रही है, पता नहीं मेरे को लग रही है। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टिल हम उसके किसी सबसेट का या पॉइंट का हम एफ इनवर्स ले, मतलब उसकी इन्वर्टिबल निकाल सकते हैं। हाँ जी मैम, बीच में आपकी आवाज कट गई थी मैम, ये इतना तो समझ में आ गया था। मैम ये बोल रहे हैं सेट का इनवर्स इमेज निकाल सकते हैं। हाँ, नहीं तो यही दिखाया है कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल नहीं भी है तो भी हम रेंज के किसी सबसेट का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो इनवर्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द रेंज इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द इनवर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन। और उसी के लिए दूसरा सर ने, जतिन सर का एक क्वेश्चन था कि अगर हम वन वन नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, या वन वन होना जरूरी है क्या। तो सर मुझे तो इतना ही समझ में आया कि सर ने ये ग्राफ बना के ये समझाया है।